दाढ़ी शरीफ रखी हुई है तो जरा से बला सवार के रख, जितनी भी है, और मैं कर रहा हूँ उनकी साहब से जितनी भी है कम से कम इसे बला सवार के रखो, एक तरीका लगा करो अल्लाह का खास वाला सर पे अमामा नहीं है टोपी, और याद रखो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ बात लंबी हो जाएगी, दाढ़ी वाला बंदा जो है ना खा उसकी दाढ़ी छोटी है तो रखी ना उसने दुनिया कारण में दाढ़ी रखी हुई है, अब छोटी और बड़ी का मसला जो है ये तो चलो इसको मैं अब ज्यादा उम्मीद देता, मगर चलो मैं ये कहता हूँ कि जितनी आपने रखी हुई है रखी जाए ना, और दो चीजें दाढ़ी वाले बंदे के साथ बड़ी बुरी लगती है, आज मैंने ये सोचा है कि मैं एक तीसरी चीज भी ऐड कर सकता हूँ, आज भी मैंने सोचा है कि बहुत बुरी लगती है, पहली सबसे बात ये कि दाढ़ी वाला आदमी सबसे नंगा बड़ा बुरा लगता है, क्यों जी बुरा लगता है अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत बड़ी बड़ी खूबसूरत टोपियां आई हुई हमारे पास जमाने में माशाल्लाह, देखो तो मैं क्या बताऊं आपको, इधर ये लाल आती है ना ये तो ऐसी ऐसी हदें फलाम गए खुदा की फला, आपने कुछ भी नहीं देखा हार ना पड़ने के बाद अंदर जाते हैं नया लिबास पहन के आ जाते चमक चमक होती है पीछे से देखे तो औरत नजर आती है ऐसा चमकदार लिबास ऐसा ऐसे होती समझते हो लगे होते हैं कि हैरान हो जाता है चमक दूर हो जाती है, मर्द का एक अपनी वजाहत है औरत की अपनी वजाहत है, मेरे आका करीम ने फरमाया जो मर्द औरत की शक्ल बनाएगा वो भी गालिबन किबला हुजूर का फरमाया कि जहन्नम कहेगा, और जो औरत मर्द की शक्ल बनाएगी वो भी। अब मेरे मुर्शिद मुजद्दद का फलसफा ये है कि जो काम औरत करती है वो मर्द को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, औरत लिपस्टिक लगाती है मर्द को नहीं लगानी चाहिए कि वो कहीं नजर आया और उनका मर जाए, मगर अब तो मर गया मेकअप के लिए ज्यादा काम है ना भैया छोड़ो बात बाहर का इस बात को, एक बात तो ये कि दाढ़ी वाले बंदा जो है वो सासे नंगा बड़ा भरा बुरा लगता है, और दूसरा जो बात थी मुझे कि दाढ़ी वाला आदमी जो है ना वो सिगरेट पीता बड़ा बुरा लगता है, सिगरेट पीता बहुत बुरा लगता है, लिहाजा आप कसम है खबरदार कल किसी जुलूस का आपने सिगरेट खबरदार हर आदमी सफेद सलवार कमीज में सर में खूबसूरत टोपी अमामा सफेद सियाह ग्री जैसा भी पसंद है बालो सर पे अमामा टोपी सफेद लिबास, और हर बंदे के पास से गुलाब की चंबेली की हिना की खुशबू आनी चाहिए, ये तीनों खुशबूएं जो सरकार ने पसंद की, गुलाब की खुशबू चंबेली की खुशबू यास्मीन जिसे कहते हैं, गुलाब की खुशबू रोज शूशू वाला नहीं शूशू वाला लगा रहा वो उसमें अल्कोहल होती है, हाँ फ्री अल्कोहल मिले तो फिर ठीक है लगाओ उसको, मगर ये है कि छोटी छोटी शीशियां जेब में रखो हर रात 5-10 मिनट के बाद खुशबू फौरन लगा दो, दूसरे सरकार मरियल सी शक्ल नहीं बनानी कि मरे हुए जा रहे हैं जैसे कैदी जा रहे, नहीं अल्लाह को कल तो आजादी मिली है आजादी नहीं है कल आजादी है जो कल करने जाए नया आजादी मिली है, और कितनी लंबी कैद से आजादी मिली 4000 साल कैद से जाए, और एक खाली मुसलमानों को नहीं मैं तो कहता हूँ कि आलम इंसानियत को बोले आई दो चीजें ये और तीसरी शायद तो करता हूँ मगर जो मैंने आज मैंने अंदाजा लगाया है एक जगह पे गया, तीसरी चीज दाढ़ी वाला बंदा जो है ना उसके गले में टाई जो है ये अच्छी नहीं लगती, ये अच्छी नहीं लगती, ये मेरी अपनी सोच है कि आज मैंने चूंकि दाढ़ी वाले लोग ग्रुप को देखा था बड़ी खूबसूरत दाढ़ी थी तो सर से भी नंगे थे गले में टाई भी बांध रही थी नमाज पढ़ी तो रुकू में गए वो आगे हिल रही थी कि आप मसला मौलवी से मुकेबला मुफ्ती साहब हल करेंगे इसमें क्या क्या सिलसिला है, तो ये एक बात याद रखें